नमस्कार दोस्तों, अगर आपको यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर या मूत्र मार्ग निंदा है और आप दूरबीन से ऑपरेशन करा चुके हैं और उसके बाद भी आपको बार बार सीआईसी करना पड़ता है या आपका रास्ता बार बार रुकता है, तो आपको यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर की ओपन सर्जरी की ज़रूरत है। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर की ओपन सर्जरी को यूरेथ्रोप्लास्टी बोलते हैं और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यूरेथ्रोप्लास्टी क्या होती है, किस किस प्रकार की होती है, नॉर्मली उसमें औसतन कितना खर्चा आता है और मरीज को यूरेथ्रोप्लास्टी कराने के बाद कितने दिन का रेस्ट लेना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजेंद्र गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक यूरोलॉजिस्ट यानी पुरुष रोग विशेषज्ञ, और आज हम बात करेंगे यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर की सर्जरी या यूरेथ्रोप्लास्टी के बारे में। तो यूरेथ्रोप्लास्टी यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर की ओपन सर्जरी है। नॉर्मली आप यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर के बारे में और जानना चाहें तो मेरे कम से कम 5-6 वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हैं। तो अगर आपको यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर है या यूरेथ्रा का रास्ता रुका है तो इस स्ट्रिक्चर को या इस रास्ते को ओपन करके साफ करके फिर से बनाना पड़ता है। मेरे पास महीने में कम से कम 20 से 25 यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर की सर्जरी होती है और पेशेंट यूजली ठीक रहते हैं। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर की यूरेथ्रोप्लास्टी कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो बेसिकली जो पेशाब का रास्ता यूरेथ्रा है वो मसाने के मुँह से लेकर पेशाब के क्षेत्र तक जाती है। अब इसमें कहीं पर भी रास्ते में रुकावट आ सकती है, इसको स्ट्रिक्चर बोलते हैं। नॉर्मली स्ट्रिक्चर को डायलेटेशन या दूरबीन से खोल सकते हैं, पर अगर स्ट्रिक्चर लंबा है, बहुत ज़्यादा है, तो उसको सही तरीके से ओपन करके उसको तैयार करना पड़ता है। अब यूरेथ्रोप्लास्टी ओपन सर्जरी हो सकती है एक स्टेज में या दो स्टेज में। एक स्टेज की सर्जरी मतलब कि एक ही बार में पूरे रास्ते को रिपेयर कर दिया जाए, और दो स्टेज की मतलब कि एक बार खोल के स्ट्रिक्चर को खोला जाए, पेशाब का रास्ता नीचे बना दिया जाए ताकि पेशाब जो है बैठ के करना पड़े, और दूसरी सिटिंग में हम पेशाब के रास्ते को बंद करते हैं। टू स्टेज सर्जरी नॉर्मली तब होती है जब मरीज़ की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, पेशेंट बहुत ज़्यादा बार दूरबीन सर्जरी करा चुका है और इन्फेक्शन इतना बढ़ चुका है कि एक बार की सर्जरी पॉसिबल नहीं है, वरना 99% ऑफ टाइम्स एक बार की सर्जरी में हम लोग सर्जरी कर देते हैं। यूरेथ्रोप्लास्टी में जो आपके अंडकोश है और जो एनस है उसके बीच में हम इंसिजन लगाते हैं। इंसिजन लगा के पेशाब के रास्ते को खोलते हैं और वहाँ से लिंग को बाहर निकाल लेते हैं। उधर आपकी जो पेशाब की जो नस है, उस पेशाब की नस को पूरा जांच लेते हैं, जहाँ जहाँ पर रुकावट है उसको वहाँ से खोल के चौड़ा कर देते हैं। अब एक बार आप समझिए, ट्यूब है, ट्यूब जो है वो संकरा गई है, तो हम क्या करेंगे, ट्यूब को खोलेंगे। अब इसको कवर करने के लिए हमें इसके ऊपर कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, ग्राफ्ट। तो वो ग्राफ्ट जो है नॉर्मली या तो हम अगर मुँह से लेंगे तो उसको बोलते हैं बक्कल म्यूकोसल ग्राफ्ट, मतलब हम मुंह के अंदर से ग्राफ्ट निकालते हैं, दर्द नहीं होता, बेहोशी के बिना निकालते हैं, लोकल में निकालते हैं। ये मुंह के अंदर की जो चमड़ी है ये 3 दिन में भर जाती है और आप जो है सर्जरी के बाद खाना पीना खा सकते हैं। पहले 3 से 4 दिन हम आइसक्रीम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, एक बार रास्ता भर जाए 3-4 दिन में, उसके बाद काम खत्म। पर अगर सपोज आप तंबाकू खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो ये स्किन खराब होती है, तो उस केस में या तो हम कान के पीछे से चमड़ी लेंगे या आपकी जो लिंग के आगे की फोर स्किन है उसको इस्तेमाल करके रास्ते को नया बनाते हैं। उसके बाद वहाँ पर चमड़ी लगाने के बाद रास्ता नया बना के नलकी डाल के हम रास्ते को बंद कर देते हैं और टाके लगा देते हैं। नॉर्मली 10 दिन टाके खुल जाते हैं, 15 दिन के बाद नलकी निकाल देते हैं, 21 दिन में मरीज अपना नॉर्मल पेशाब कर लेता है। यूरेथ्रोप्लास्टी के बाद आपके लिंग में, आपके सेक्स में, आपके डिस्चार्ज में, आपके यूरिनेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि आपको बेहतर महसूस होगा, पेशाब अच्छे से आएगा, दांत अच्छे से आएगी, सेक्स अच्छे से होगा, आपके इरेक्शन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती है। अब यूरेथ्रोप्लास्टी सर्जरी में नॉर्मली लगते हैं 2 से 3 घंटे, आपको दिल्ली या आपको डॉक्टर के पास कम से कम 2 दिन भर्ती रहना पड़ता है, और सर्जरी के बाद आपको जो पेशाब की नलकी है कम से कम 15 दिन तक कैरी करनी पड़ती है। सर्जरी में आपको 1 महीने तक अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी, क्योंकि सर्जरी के बाद हीलिंग पीरियड बहुत ज़रूरी है। सर्जरी के बाद आप चौकट नहीं मार सकते, आपको चलना पड़ेगा पैरों को जोड़ के, और आप सर्जरी के बाद 1 महीने तक सेक्स नहीं कर सकते। 1 महीने बाद नलकी निकल जाए, पेशाब खुल जाए, उसके बाद आप जो मन करे वो नॉर्मल जीवन अपना बिता सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट बोलते हैं कि सर स्ट्रिक्चर का ट्रीटमेंट करा लेंगे उसके बाद फिर से हो जाएगा। फिर से होने का चांस किसी भी यूरेथ्रोप्लास्टी में होता है, क्योंकि ये नेचुरल स्किन नहीं है, ये हमने कहीं और से स्किन लगाई है, पर 90% ऑफ द टाइम्स फिर से नहीं होता। आपको साल में एक बार बुलाते हैं चेक करने के लिए कि रास्ता ठीक है, अगर छोटा मोटा कोई रास्ता फिर से बंद होता है तो उसमें दूरबीन की जाँच करते हैं, पर 99% टाइम्स अच्छी की गई यूरेथ्रोप्लास्टी में फिर से होने के चांसेस 0 के बराबर होते हैं।
पर अगर बहुत ज़्यादा लंबा स्ट्रिक्चर है, आपने ख़राब कर रखा है, आपको डायबिटीज़ है, एज है, इन्फेक्शन है, तो हो सकता है कि यूरेथ्रोप्लास्टी करने के बाद भी आपको फिर से सर्जरी करानी पड़े 5 साल बाद, 10 साल के बाद। तो अगर आपको यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर है, आपने ओवरयू करा लिया है, नहीं ठीक हो रहा है, उसके बाद भी बार बार से ऐसे करना पड़ रहा है, बार बार पेशाब रुक रहा है, तो फिर आपको यूरेथ्रोप्लास्टी कराइए। सिंपल सर्जरी है, बहुत सिंपल, मतलब यूरोलॉजिस्ट के लिए तो एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट से कराना बहुत ज़रूरी है। मैं ये सर्जरी काफ़ी मात्रा में करता हूँ, अगर आप मुझसे कराना चाहें तो आपको नई दिल्ली में आके मुझे दिखाना पड़ेगा, हम बहुत ही वाजिब दाम में ये सर्जरी आपके लिए परफॉर्म करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको यूरेथ्रोप्लास्टी की सक्सेस स्टोरीज़ और उसमें की गई सर्जरीज़ की वीडियोज़ आपसे शेयर कर सकूँ, आपको दिखा सकूँ। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और नमस्ते।